जब कभी भी आप नक्सलाइट या नक्सलवाद के बारे में सोचते हैं तो आपके दिमाग में एक छवि बन जाती है। उस छवि में कुछ लोग आर्मी फोर्सेस जैसे कपड़े पहने हुए, अपने हाथों में लाल रंग का झंडा थामे हुए, अपने साथ AK-47 लटकाए हुए, साथ ही जंगल में रहने वाले कुछ लोग। इनके बारे में कुछ खबरें सुनने को भी मिलती हैं कि देश के अलग अलग राज्यों में नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ रहा है, जहां नक्सलियों द्वारा पुलिस अधिकारी, प्रशासनिक अधिकारी, साथ ही आर्मी फोर्सेस को जान से मारने की खबरें सामने आती हैं। अब बिल्कुल ऐसी ही खबरें शायद मध्य प्रदेश से भी आ सकती हैं। मध्य प्रदेश में बीते दिनों से नक्सलाइट मूवमेंट बढ़ रहा है, अब मध्य प्रदेश में भी नक्सलियों का हेडक्वार्टर बनने वाला है। आज हम आपको बताएंगे कि आखिर क्या कारण है कि नक्सली अचानक एक बार फिर मध्य प्रदेश की तरफ रुख कर रहे हैं। नमस्कार, मैं आशुतोष भार्गव, आप देख रहे हैं आयुध। मध्य प्रदेश में नक्सली धीरे धीरे अपने पैर पसारने शुरू कर चुके हैं। मध्य प्रदेश में एक बार फिर से नक्सलाइट मूवमेंट देखने को मिल रहा है। इंटेलिजेंस के द्वारा ये जानकारी दी गई है कि मध्य प्रदेश में नक्सली एक हेडक्वार्टर बना रहे हैं। उस हेडक्वार्टर में वो अपने सारे के सारे ऑपरेशन ऑपरेट करेंगे। इससे पहले ही मध्य प्रदेश के 3 जिले केंद्र द्वारा नक्सली प्रभावित जिले घोषित किए गए हैं, जिनमें सबसे पहले बालाघाट को नक्सली प्रभावित जिला घोषित किया गया था। इसके बाद मंडला और अब डिंडोरी को भी नक्सली प्रभावित जिला घोषित कर दिया है। कान्हा नेशनल पार्क के बारे में तो आप सभी ने सुना होगा। कान्हा नेशनल पार्क देश की सबसे बड़ी ग्रीन टाइगर सफारी है, जिसका आधा क्षेत्र मंडला जिले में आता है तो आधा क्षेत्र बालाघाट जिले में आता है। कान्हा नेशनल पार्क के वन अधिकारियों द्वारा ये बताया गया है, ये जानकारी दी गई है कि कान्हा नेशनल पार्क के 80% क्षेत्र में नक्सलाइट मूवमेंट अभी चल रहा है। इससे पहले एक आपने खबर सुनी होगी कि कान्हा नेशनल पार्क में एक वन रक्षक की हत्या कर दी गई थी। जब उस हत्या का खुलासा हुआ तो खुलासे में ये सिद्ध हुआ कि उस वन रक्षक को नक्सलियों द्वारा मारा गया है। मध्य प्रदेश के 3 जिले नक्सली प्रभावित जिले हैं, जिनमें से डिंडोरी जिले के अमरकंटक में नक्सलियों द्वारा ऑपरेशन ऑपरेट करने एक हेडक्वार्टर बनाया जा रहा है, जिसके बाद वन विभाग द्वारा राज्य सरकार से 3 कैंप और PHQ द्वारा केंद्र सरकार से 4 CRPF बटालियन की मांग भी की गई है। चूंकि कान्हा नेशनल पार्क देश का एक बड़ा पर्यटक स्थल है, यहाँ पर पर्यटकों का आना जाना लगा रहता है, जिसकी वजह से नक्सलियों द्वारा पर्यटकों को कभी भी नुकसान पहुंचाया जा सकता है। अब हम जरा कारण जानते हैं कि देश के अलग अलग राज्यों को छोड़कर नक्सली मध्य प्रदेश में क्यों आ रहे हैं। तो हम आपको बता दें कि देश के अलग अलग राज्यों से इन नक्सलियों को खदेड़ा गया है। खदेड़ने के बाद वो अब मध्य प्रदेश के डिंडोरी के अमरकंटक के जंगलों में रहना पसंद कर रहे हैं। मध्य प्रदेश में जिस स्थान पर नक्सलियों द्वारा अपना ऑपरेशनल हेडक्वार्टर बनाया जाएगा वो डिंडोरी जिले के सीतापाला में है, क्योंकि सीतापाला से 3 जिले कवर होते हैं। सीतापाला में 3 जिलों में आना जाना बड़ी आसानी से संभव हो सकता है। सीतापाला से महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश, ये 3 मुख्य राज्य जुड़े हैं। यहाँ पर कभी भी बड़ी आसानी से नक्सलाइट अपना मूवमेंट कर सकते हैं। चूंकि अमरकंटक के जंगल घने हैं तो यहाँ पर नक्सलियों को छिपने में भी बड़ी आसानी होगी। तो वहीं इंडियन एक्सप्रेस के एक आर्टिकल के अनुसार ये बताया जा रहा है कि नक्सलाइट द्वारा छत्तीसगढ़ से 250 किलोमीटर का रेड कॉरिडोर बनाया जा रहा है, जो कि छत्तीसगढ़ से शुरू होकर मध्य प्रदेश के डिंडोरी, बालाघाट और मंडला जिले तक पहुंचेगा। अब हम आपको बताएंगे कि ये नक्सली आखिर मध्य प्रदेश को ही गढ़ क्यों बना रहे हैं, महाराष्ट्र से और छत्तीसगढ़ से इन्हें क्यों भगाया गया है। हम आपको बता दें कि महाराष्ट्र में कुछ दिन पहले दीपक ताल तुमड़े नाम के एक नक्सली का एनकाउंटर हुआ था। यहाँ पर महाराष्ट्र में एनकाउंटर में लगभग 26 से ज्यादा नक्सली मारे गए थे। इस दीपक ताल तुमड़े के ऊपर लगभग 75 लाख रुपए का
इनाम भी था। इस प्रकार से जब 26 से ज्यादा नक्सलियों को वहां से मार गिराया तो सारे के सारे नक्सली अपने आप को महाराष्ट्र में सुरक्षित नहीं मान रहे थे, जिसके बाद उन्होंने महाराष्ट्र के विदर्भ रीजन और साथ ही कुछ शहरी क्षेत्रों में भी अपना प्रभाव, अपनी घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन उस घुसपैठ करने में वो सफल नहीं रहे, जिसके बाद उनके मन में भय हुआ और भय के बाद उन्होंने मध्य प्रदेश में आने के बारे में सोचा। साथ ही छत्तीसगढ़ के बस्तर से नक्सलवाद के बारे में कई खबरें सुनने को मिलती है। एक न्यूज रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों में लगभग 3722 नक्सली हमले हुए हैं, इनमें से 750 आम आदमी तो वहीं लगभग 500 जवान शहीद हुए हैं, लेकिन उसी के साथ 700 से ज्यादा नक्सली भी उस क्षेत्र में मारे गए हैं। मार्च के महीने में हिडमा कमांडर को पकड़ने सीआरपीएफ की टोली छत्तीसगढ़ के जंगलों में पहुंची, जिसके बाद नक्सलियों ने उनके ऊपर हमला कर दिया। उस समय लगभग 22 जवान शहीद हो गए थे, जिसके बाद दंतेवाड़ा में मार्च के महीने में 3 लाख रुपए इनामी एक नक्सली को सीआरपीएफ द्वारा मार गिराया गया था, जिसके बाद जनवरी माह में सुकमा, जनवरी माह में ही बीजापुर और जगदलपुर में भी कुछ नक्सलियों को मार गिराया था। बस्तर में भी एंटी नक्सल ऑपरेशन चलाया गया, साथ ही मार्च के महीने में भी लगभग 8 से 10 नक्सलियों को सेना द्वारा मार गिराया गया था। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के ऊपर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जिसके बाद नक्सली अपने आप को सुरक्षित करना चाहते हैं, जिसके चलते उन्होंने अपने आप को मध्य प्रदेश की तरफ डाइवर्ट कर लिया है। इसी के साथ महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ तीनों जगह के नक्सली अब एक स्थान पर होके सारे ऑपरेशंस को ऑपरेट करेंगे। ये एक बहुत डरा देने वाली खबर है। मध्य प्रदेश को इस बात से सचेत होना चाहिए, साथ ही सुरक्षा के मायनों को भी मजबूत करना चाहिए। इसी प्रकार से जुड़े रहिए हमसे, देखते रहिए आयुध। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, फेसबुक पेज को लाइक कर सकते हैं, साथ ही इंस्टाग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। धन्यवाद।